नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, बीए, बीकॉम, बीएससी प्रथम वर्ष के कक्षा में अनिवार्य विषय के अंतर्गत व्याकरण खंड प्रारूप के प्रकार हम पढ़ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए, बीकॉम, बीएससी प्रथम वर्ष तीनों ही संकाय के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य हिंदी, कंपलसरी हिंदी के अंतर्गत व्याकरण खंड में आपका जो प्रारूप के प्रकार शीर्षक से जो विगत वीडियो से हम पढ़ रहे हैं प्रारूपों के प्रकार, तो आज हम कुछ और प्रारूप के प्रकार है वो लेकर के उपस्थित हैं। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं प्रारूप के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो इस प्रारूपों के प्रकार के अंतर्गत हम देखते हैं कि कार्यालय आदेश क्या होता है, और इसके साथ साथ आपका अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है, और अनुस्मारक क्या होते हैं, इस संदर्भ में हम जानकारी करेंगे। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कार्यालय आदेश, ऑफिशियल जो ऑर्डर होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। किसी भी मंत्रालय द्वारा या कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले जाने वाले आदेश को कार्यालय आदेश कहते हैं। यानी मंत्रालयों में या फिर विभागों में जो सरकारी विभाग है, उन विभागों में जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए समय समय पर उन कर्मचारियों के लिए जो अधिकारी होते हैं वो कार्यालय आदेश है वो जारी करते हैं, उनको जो है देते हैं। इसमें ऐसी सूचना होती है, यानी कार्यालय जो आदेश है उसमें किस प्रकार की सूचना होती है, उसमें ऐसी सूचना होती है जिसका संबंध किसी कार्यालय के एक या अनेक कर्मचारियों से होता है। यानी ये जो कार्यालय आदेश प्यारे विद्यार्थियों दिया जाता है, जो सरकारी ऑफिस होते हैं, जैसे आप बिजली विभाग है या फिर टेलीफोन विभाग है या फिर आपका जलदाय विभाग है, और भी जितने भी जो विभाग है, शिक्षा विभाग है, सभी विभागों में जो सरकारी है उनमें ऐसी सूचनाएं उसमें होती है कार्यालय आदेश में, जिसका संबंध किसी भी कार्यालय के एक या अनेक कर्मचारियों से होता है। किसी एक कर्मचारी के लिए भी हो सकता है सरकारी आदेश, या फिर बहुत सारे कर्मचारियों के लिए भी ये आदेश हो सकता है। तो ये एक सरकारी आदेश जो है कार्यालय आदेश होता है, जो उच्च अधिकारियों द्वारा वहाँ जिस विभाग के भी अधिकारी होते हैं वो अपने कर्मचारियों को सूचित करते हैं। इसके अंतर्गत उनकी नियुक्ति के संदर्भ में कोई आदेश जारी होना है, छुट्टियों को स्वीकृत करने के संदर्भ में कोई आदेश जारी करना होता कर्मचारी की, या फिर उनकी पदवृद्धि की जाती है तो ऐसा भी उनको सूचित किया जाता है, वो भी सरकारी आदेश दे करके कि आपके पद में वृद्धि हुई है, पदोन्नति हो गई है, या वो छुट्टी लेना चाहते हैं लंबी छुट्टी, तो उन छुट्टियों के लिए भी वो सरकारी आदेश जारी कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की सूचनाएं उसमें दी जाती है। तो आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, जो कार्यालय होते हैं वो कार्यालय में नियुक्त जो कर्मचारी होते हैं उन कर्मचारियों के लिए एक कर्मचारी भी हो सकता है, अनेक कर्मचारी भी हो सकते हैं, तो उनकी नियुक्ति के संदर्भ में, छुट्टियों की स्वीकृति के संदर्भ में आदि सूचनाएँ दी जाती है। कार्यालय द्वारा बनाए गए यानी ऑफिस द्वारा जो बनाए जाते हैं उन सामान्य नियमों की सूचना भी इसके द्वारा दी जाती है। यानी कार्यालय में कोई सूचना देनी है सामान्य नियमों के संदर्भ में, तो उन नियमों की सूचना भी इसी कार्यालय आदेश के द्वारा दी जाती है। तो इस प्रकार से कार्यालय सूचना होता है, कार्यालय आदेश होता है। और कार्यालय आदेश का जो प्रारूप की अगर बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो उसमें ऊपर ही ऊपर जो होता है सरकारी आदेश, सरकार, राजस्थान सरकार, इस प्रकार से लिखा होता है राजस्थान सरकार, फिर विभाग का नाम हो जाता है, विभाग किस विभाग के द्वारा है, कार्यालय का नाम वो पता होता है नीचे वाली पंक्ति में, कार्यालय का नाम पता ये होता है यहाँ पर। और इसी प्रकार से
आदेश जारी करने हैं। पत्रावली क्रमांक होता है, यहाँ पर पत्रावली क्रमांक क्रमांक लिखा होता है, पत्रावली क्रमांक होता है यहाँ पर। और कार्यालय आदेश की तारीख होती है, आदेश की तिथि होती है, वो लिखी होती है यहाँ। और इस प्रकार से ये होता है। और बीच वाले भाग में आदेश या जो शीर्षक होता है ये यहाँ पर लिखा होता है, आदेश जिसको कह सकते हैं, या फिर शीर्षक होता है वो इस यहाँ पर इन पंक्तियों में लिखा जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लिखा जाता है, तो इनमें आज्ञा से अधिकारी के नाम, हस्ताक्षर, पद का नाम होता है यहाँ पर। आज्ञा इन जो कर्मचारी हैं उनको क्या आज्ञा दी जा रही है, उन अधिकारियों के अधिकारी है उनके नाम है, पद है, ये यहाँ पर लिखा होता है इस दिशा में। और इसके साथ साथ आदेश प्रेषित करने की दिनांक लिखी जाती है। और नीचे इधर इस दिशा में यहाँ पर जो है बाईं साइड में, इस साइड में देखें यहाँ क्या लिखा होता है, यहाँ लिखा होता है, प्यारे विद्यार्थियों, पत्रावली पत्रों का क्रमांक लिखा होता है, प्रतिलिपि होती है, सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित व्यक्तियों के नाम, पद का नाम, पता, कर्मचारी का जो नाम होता है वो यहाँ पर लिखा होता है। इसके संबंध में कितनी प्रतिलिपि दी जा रही है, कितने कर्मचारियों को दी जा रही है, वो सब यहाँ प्रतिलिपि के रूप में दी जाती है। कर्मचारी के नाम होते हैं, उनका पता इत्यादि लिखा होता है। तो इस प्रकार से कार्यालय आदेश होता है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। यदि पत्रावली में आदेश किसी उच्च अधिकारी द्वारा दिया जाता है किंतु जारी करने वाला कोई अधीनस्थ अधिकारी हो, यानी आदेश तो उच्च अधिकारी द्वारा दिया जाता है लेकिन जारी करने वाला कोई अधीनस्थ हो, उस अधिकारी तो आज्ञा से अंकित किया जाता है, यानी जो अधीनस्थ अधिकारी होता है उसको उसका जो नाम है आज्ञा में आता है। तो इस प्रकार से ये होता है कार्यालय आदेश। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, ये समझ में आ गया होगा। अगला देखिए अर्ध सरकारी पत्र या जिसको अर्ध शासकीय पत्र भी कहा जाता है, ये क्या होता है। देखिए अर्ध सरकारी पत्र या अर्ध शासकीय पत्र किसे कहते हैं, जब कोई सरकारी अधिकारी सरकारी कार्य के लिए अन्य किसी सरकारी अधिकारी को, यानी एक विभाग का कर्मचारी, एक विभाग का अधिकारी है, वो दूसरे विभाग के अधिकारी को पत्र लिखता है, को व्यक्तिगत नाम से, यानी उसके नाम से पत्र लिखा जाता है, यानी ये वे पत्र होते हैं जिनमें दो विभागों के जो अधिकारी होते हैं वो एक दूसरे को जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, या उनमें एक तरह से मित्रता का भाव होता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो पत्र होते हैं अर्ध सरकारी पत्र, उनमें उस व्यक्ति का नाम लिया जाता है, यानी एक तरह से ये जो पत्र होते हैं एक तरह से पारिवारिक पत्र की श्रेणी के आधा सरकारी और आधा पारिवारिक रूप में भी इसको मान सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से पत्र है वो लिखे जाते हैं। तो सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से अपेक्षित सूचनाओं, जो भी सूचनाएं देनी है एक अधिकारी को, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक जलदाय विभाग का कर्मचारी है, अधिकारी है, ठीक है, PhD विभाग का कोई एक अधिकारी है, वो किसी विद्युत विभाग के अधिकारी को, जो बिजली विभाग है उसके अधिकारी को मित्रता उनमें है या जानता है व्यक्तिगत रूप से उसको जानता है, जैसे मान लीजिए ये अधिकारी का नाम राहुल है, विद्युत विभाग के अधिकारी का नाम, और इस अधिकारी का नाम जैसे सुरेश है, तो सुरेश है वो राहुल को व्यक्तिगत रूप से जानता है, दोनों में अच्छा रिश्ता है, मतलब जानते हैं एक दूसरे को। तो अब वो वहाँ पर दोनों ही विभाग में है, ये PhD विभाग में है, ये विद्युत विभाग में है। अब ये क्या कर देंगे कि ये सरकारी, दोनों ही सरकारी अधिकारी है, तो कोई सरकारी अधिकारी सरकारी कार्य के लिए, ये अपने कार्य के लिए नहीं होगा ये पत्र, सरकारी काम के काम से ये पत्र लिखे जाते हैं, लेकिन उसमें व्यक्तिगत नाम से उसको संबोधित किया जाता है, यानी जो है राहुल नाम से या राहुल जी इस प्रकार के नाम से उनको संबोधित किया जाता है। तो इस प्रकार से राहुल जी के नाम से इस प्रकार से इसको हम अपेक्षित किया जाता है। इनमें सूचनाओं को स्पष्टीकरण या सम्मति प्राप्ति के क्रम में कोई पत्र है वो भेजता है, यानी एक कर्मचारी, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से जो है सूचनाओं को स्पष्टीकरण सम्मति प्राप्ति के क्रम में कोई पत्र है वो भेजता है।
अथवा पूछता है, भेजता है या फिर पूछता है या ध्यान आकर्षण करवाता है, यानी दूसरे विभाग के अधिकारी को ध्यान आकर्षित करवाता है या उससे संबंध में कुछ बात उसको पूछनी होती है, तो इस प्रकार से वह अधिकारी वह व्यक्तिगत शैली में लिखा जाता है। ध्यान करना, ये ऐसा सरकारी पत्र है जो व्यक्तिगत शैली में लिखा जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे के विभाग के जो अधिकारी है वो दोनों को मित्रता के रूप में जानते हैं, इसीलिए इसमें लिखा जाता है। लिखा होने के कारण उसको अर्धशासकीय यानी आधा, अर्ध मैंने आधा, शासकीय मैंने सरकारी है, आधा सरकारी होता है आधा व्यक्तिगत, जिसको हम कह सकते हैं पारिवारिक पत्र की तरह इसमें लिखा जाता है, तो अर्ध सरकारी पत्र इसको कहते हैं, अर्धशासकीय पत्र या अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। तो ये आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। और इस पत्र की अगर बात करें तो बाईं ओर प्रेषक का नाम और पद का उल्लेख होता है। अगर इस पत्र को हम लिखें तो इसमें जो आपका लेफ्ट साइड है यानी बाई साइड है, यहाँ पर पत्र का जो अधिकारी का नाम होता है, प्रेषक का, प्रेषक यानी भेजने वाले का नाम होता है, दाईं ओर कार्यालय का पता है वो लिखा होता है, यहाँ दाईं ओर कार्यालय का पता होता है, यहाँ पर प्रेषक का नाम होता है, भेजने वाले का नाम होता है, ठीक है, और पत्र क्रमांक होता है, अर्धशासकीय पत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसमें लिखा होता है कि भाई अर्धशासकीय पत्र है, दिनांक दाईं ओर लिखी जाती है, और जिसे ये पत्र लिखा जाता है जिस भी अधिकारी को उसके नाम या उपनाम के पूर्व यहाँ पर प्रिय या श्री ये शब्द लगाया जाता है, प्रिय या श्री, क्योंकि ये एक दूसरे को जानते हैं, तो ये आधा व्यक्तिगत पत्र होता है आधा सरकारी पत्र होता है, इसलिए प्रिय प्रिय श्री ये संबोधित किए जाते हैं, बाकी सरकारी पत्रों में ऐसा नहीं होता, लेकिन अर्धशासकीय पत्रों में ऐसा होता है। इसके अलावा पत्र का जो अंत होता है, तो जैसे मान लीजिए मैंने बताया राहुल जी को लिख रहा है सुरेश, तो ये जो शुभेशु हितेशी इस प्रकार से ये लिख सकता है, शुभेच्छु ये शब्द सरकारी पत्रों में, इस अर्ध सरकारी पत्र में लिख सकता है, शुभ चिंतक है, शुभेच्छु है, विश्वास पात्र इत्यादि शब्दों से वह अंत करेगा, संबोधित जो है प्रेषक जो भेज रहा है उसको, और प्रेषित जिसे पत्र भेजा गया है उसका नाम वह पता है वो नीचे बाईं ओर लिखा जाता है, जो प्रेषित यानी जो प्राप्त करने वाला होता है, प्रेषित का अर्थ क्या होता है, जो प्राप्त करने वाला होता है उसका पता यहाँ बाईं साइड में नीचे होता है, और इस प्रकार से ये पत्र उत्तम शैली में, पुरुष शैली में, मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, तो आधा सरकारी होने के कारण ये इसमें लिखा जाता है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगला देखिए अनुस्मारक पत्र या स्मरण पत्र। अनुस्मारक क्या होता है, स्मरण पत्र क्या होता है, दोनों का नाम एक ही है। इसका मतलब देखिए कि पूर्व में लिखे गए यानी कोई अधिकारी दूसरे अधिकारी को पहले पत्र भेजता है, और पहले पत्र भेजता है वो उसका जवाब नहीं देता, उस समय जो है पूर्व में लिखे गए किसी पत्र की अनुपालना में, अनुपालना न होने पर यानी उसकी पालना नहीं, एक पत्र उसने लिखा है और वह पालन उसका नहीं किया जा रहा है, तो उस संबंध में पत्र प्राप्त करने वाले को जब प्रेषक यानी पत्र भेजने वाले की ओर से पुनः यानी फिर से स्मरण कराया जाता है, याद दिलाया जाता है कि भाई मैंने आपको एक पत्र लिखा था, आपने इस हमारी समस्या का समाधान नहीं किया, तो इस संदर्भ में एक पहले पत्र उसने दे दिया है, तो वही क्रमांक पुनः लगा करके वह पत्र दोबारा उसको भेजेगा कि याद दिलाने के लिए, प्रत्युत्तर देने हेतु याद दिलाया जाता है कि भाई ये हमने पत्र पहले भी भेजा है, तो इस प्रकार से आप उसका जवाब नहीं आया है, तो इस प्रकार से एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को ये पत्र दिया जाता है, तो ऐसे पत्रों को अनुस्मारक पत्र कहते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो अनुस्मारक पत्र का लिखने का जो है इस प्रकार से याद करने आपको अनुस्मारक है वो लिखा जाता है। इसका प्रारूप सरकारी पत्र की तरह ही होता है, किंतु विषय सामग्री इसमें संक्षिप्त होती है, केवल याद दिलाने के लिए ही वो लिखा जाता है, क्योंकि ये जो पत्र होता है इसकी पूर्व जानकारी पहले वाले पत्र में दी हुई होती है, केवल संदर्भ लगा करके और पूर्व पत्र का जो क्रमांक या दिनांक है उसका उल्लेख वह करता है कि इस दिनांक को हमने पहले पत्र लिखा था और उसका जवाब आपने नहीं दिया है, तो इस प्रकार से ये पत्र होता है। अगला देखिए प्रेस विज्ञप्ति क्या होती है। प्रेस विज्ञप्ति सरकार की ओर से प्रेस विज्ञप्ति अथवा प्रेस नोट तभी प्रकाशित किया जाता है, सरकार की ओर से कई बार योजनाएं बनाता है, सरकारी योजनाएं होती है तो उनको सरकारी विज्ञप्ति या फिर सरकारी प्रेस नोट जारी करता है।
जब वह किसी निर्णय का प्रचार विस्तृत रूप से व्यापक रूप से करना चाहती है सरकार, तो उस स्थिति में वह प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट को जारी करती है। और दोनों में एक अंतर है कि प्रेस विज्ञप्ति अधिक औपचारिक मानी जाती है। प्रेस विज्ञप्ति क्या है, अधिक औपचारिक है, जबकि प्रेस नोट इतना औपचारिक नहीं होता। समाचार पत्रों में उसका प्रकाशन किया जाता है, बिना किसी संशोधन के उसी रूप में कर दिया जाता है। यानी प्रेस विज्ञप्ति यानी जो समाचार पत्र होते हैं न्यूज़ पेपरों में, इसका प्रकाशन बिना किसी संशोधन के हूबहू जो प्रेस जो विज्ञप्ति जो प्रेस वार्ता में जो निर्णय लिए जाते हैं उसको हूबहू समाचार पत्रों में जारी कर दिया जाता है बिना किसी संशोधन में, तो वो इस प्रकार से हो जाता है। इसके विपरीत प्रेस नोट में क्या होता है, प्रेस विज्ञप्ति में तो हूबहू जो प्रेस वार्ता में निर्णय लिया जाता है जिस अधिकारी के द्वारा जिस नेता के द्वारा, उसको वो जो प्रेस विज्ञप्ति है वो उसमें लिख दिया या उसको बिना किसी संशोधन के उसको छाप दिया जाता है। लेकिन प्रेस नोट होता है वो समाचार पत्रों या जो न्यूज़पेपर होता है उसका जो संपादक होता है वो अपनी मर्जी से संक्षिप्त कर सकता है उसको, या फिर परिवर्धित कर सकता है यानी उसको बढ़ा चढ़ा करके भी लिख सकता है। ये प्रेस नोट में अंतर होता है, विज्ञप्ति और प्रेस नोट में ये अंतर होता है। प्रेस विज्ञप्ति हूबहू बिना किसी संशोधन के लिखी जाती है, जारी की जाती है, जबकि प्रेस नोट में संपादक को अधिकार होता है कि उस प्रेस विज्ञप्ति को प्रेस वार्ता जो उसमें निर्णय लिया गया उसको छोटा भी कर सकता है, उसको बढ़ा भी सकता है, तो वो प्रेस नोट होता है। और प्रेस विज्ञप्ति में प्रकाशन की तिथि समय भी लिखा जाता है। इस तिथि के बाद यानी इस दोनों का उद्देश्य क्या होता है, जनता को सरकारी निर्णय से अवगत कराना। प्रेस विज्ञप्ति का और प्रेस नोट का दोनों का उद्देश्य यही होता है कि सरकारी जो निर्णय है वो जनता उससे जाने, जनता उससे अवगत हो। हिंदी में प्रेस नोट और प्रेस विज्ञप्ति दोनों नाम प्रचलित हैं, दोनों ही नाम चलते हैं, प्रेस नोट और प्रेस विज्ञप्ति। तो प्रेस विज्ञप्ति में प्रकाशन की तिथि और समय का भी उल्लेख किया जाता है। इस तिथि के बाद उसका प्रकाशन किया जा रहा है अथवा प्रकाशनार्थ लिखा जाता है, ये उसमें लिखा जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, प्रेस विज्ञप्ति समझ में आ गई। अब देखो ज्ञापन, ज्ञापन जिसको हम स्मरण पत्र भी कहते हैं, कार्यालय कर्मचारियों के पत्रों, कार्यालय जो कर्मचारी है उनके पत्रों, आवेदन पत्रों, याचिकाओं, व्यक्तिगत पत्रों, अनुस्मारक का उत्तर देना, इस प्रकार के अगर हो अर्थात विषय सामग्री कम महत्वपूर्ण हो, तब कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र ज्ञापन या स्मरण पत्र कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कार्यालय कर्मचारियों के पत्रों को, आवेदन पत्रों, याचिकाओं, व्यक्तिगत पत्रों, अनुस्मारक का उत्तर देना या फिर विषय सामग्री को कम महत्वपूर्ण हो तब क्या करता है, कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र ज्ञापन या स्मरण पत्र कहलाता है। और इसमें प्यारे विद्यार्थियों, ज्ञापन में किसी को अभिवादन नहीं होता, ध्यान रखना ज्ञापन में कोई अभिवादन नहीं किया जाता, प्रायः ये अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। एक ही अनुच्छेद होता है, अंतिम जो प्रशंसात्मक वाक्यांश भी इसमें नहीं लिया, हितेषु शुभेच्छु ऐसा नहीं लिखा जाता। और इन पर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर न होकर के कार्यालय अधीक्षक या वरिष्ठ लिपिक के ये हस्ताक्षर होते हैं। प्रेषित का नाम और पता नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। अंत में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, निविदा क्या होती है, निविदा जिसको टेंडर बोलते हैं, सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा, जो सरकारी हो या गैर सरकारी भी हो, उन प्रतिष्ठानों द्वारा अपने किसी निर्माण कार्य, कोई भवन बनाना है, ऑफिस बनाना है, कोई भवन का निर्माण करना है, उस कार्य को संपन्न कराने के लिए, सामान की आपूर्ति करने के लिए, इन सब कार्यों के लिए उक्त कार्य कर सकने वाले व्यक्तियों की सूचनार्थ समाचार पत्रों आदि में जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है, यानी कि हमें इस विभाग में ये भवन बनाना है, इसके लिए इतना हम जो है इसका खर्चा रख रहे हैं, अगर कोई इच्छुक जो है ये ठेकेदार करना चाहता है तो वो कर सकता है, तो इस प्रकार से वो सूचना समाचार पत्रों में जारी की जाती है, उसे निविदा कहते हैं। निविदा प्रपत्र का जो शुल्क लगता है, ध्यान रखना जो भी विभाग है वहाँ पर निविदा का एक फॉर्म होता है, प्रपत्र होता है, उसका शुल्क होता है, साथ साथ ये धरोहर राशि पहले जमा करवाते हैं, कुछ धरोहर राशि होती है
वो पहले जो है ठेकेदार को जो भी निविदा को पढ़ करके आते हैं तो वो जमा करवाते हैं, फिर प्रचार के मानदंड समय समय पर जो है सरकार या संस्थाओं द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, वो अलग अलग होते हैं अलग अलग विभागों में। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये प्रारूपों का जो पत्र का प्रारूप है वो समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे और कुछ किसी नए विषय को लेकर के आपके व्याकरण खंड में। तब तक के लिए जो है इन प्रारूपों को आप ठीक से पढ़ें। बाकी प्रारूप है वो आपके 12वीं कक्षा के अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत आप पढ़ करके आए हो। बाकी ये तो मुझे जानकारी देने के लिए था किस प्रकार से आपको प्रारूपों के प्रकार होते हैं और इनको आपको परीक्षा में है जो आपको ठीक प्रकार से प्रारूप पूरे लिखने होते हैं कि इस संस्था में इस निविदा को इस तरह से लिखना है या प्रारूप जो भी है परीक्षा में आप पत्र इत्यादि आपने देखे होंगे वो उसी अनुसार आपको लिखने हैं। तब तक के लिए आप इनको ठीक से पढ़ें, नोट्स बनाएं और इनको याद भी करें। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद विद्यार्थी।